સુરતને ભુવનેશ્વર સાથે વિમાન સેવાથી જોડવા ઉધનાના હરિનગર સ્થિત એસએમસી કમ્યુનિટી હોલમાં પ્રવાસી ઓડિશા પરિવાર દ્વારા ફેલિસિટેશન સેરેમનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઓડિશાના સાંસદ અપરાજિતા સારંગી, સુરત સાંસદ દર્શનાબેન જરદોશ, નવસારી સાંસદ સી આર પાટીલ, ઓડિશાના સાંસદ સુરેશ પૂજારી, પદ્મશ્રી કનુભાઈ ટેલર તેમજ લોકસભાના તીર્થંકર દાસ હાજરી આપી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. मैं ये सूचना देना चाहूँगी कि आज से 20 जनवरी से भुवनेश्वर और सूरत का एयर इंडिया का डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत के पीछे हम दोनों सांसदों का बहुत प्रयास था. आदरणीय श्री सी आर पाटिल जी ने भी बड़ी सहायता की थी. हम तीनों सांसदों ने मिलकर इसके लिए प्रयास किया था. मैं व्यक्तिगत तौर पर दर्शना बेन जी को और सी आर पाटिल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी. आदरणीय श्री अमित शाह और आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी तथा आदरणीय केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी. यह एक टीम एफर्ट था. बहुत दिनों का ये डिमांड था. जो यहाँ पर करीबन 7 लाख उड़ीसावासी रहते हैं सूरत में, इन्हें बड़ी असुविधा थी. 30 घंटे लगते थे ट्रेन में जाने में भुवनेश्वर. और आप लोग जैसा जानते हैं उड़ीसा राज्य की अर्थनीति बहुत मात्रा में सूरत पर आधारित है. हमारी 7 लाख जनसंख्या यहाँ रहती है, तो इसकी वजह से बहुत लंबा डिमांड था, बहुत पुराना डिमांड था और हम सब लोगों ने मिलकर इसे किया है. और मुझे लगता है कि ये करने से अर्थनीति, उड़ीसा राज्य की अर्थनीति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. लोगों की असुविधा कम होगी और काफ़ी आनंद है. सब लोग प्रफुल्लित हैं. और भुवनेश्वर से जब मैं वहाँ से निकली तो वहाँ जो गुजराती समाज है वो लोग भी आए थे मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, तो वो लोग भी काफ़ी आनंदित हैं. और यहाँ भी मैंने देखा कि काफ़ी आनंद है. और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ की जो उड़ीसा के जो एसोसिएशन है, प्रवासी उड़िया का एसोसिएशन है, उनको इन्होंने जिस तरह से मेरा स्वागत किया और भव्य संवर्धना की, मैं नतमस्तक हूँ. मैं इनके सामने कृतज्ञ हूँ. સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ અને ચરિતાર્થ કરતું પૂર્વ અને પશ્ચિમને જોડતી આ સૌથી પહેલી ભુવનેશ્વરની એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટનું સ્વાગત આજે અમે કરીએ છીએ. ખાસ આ પ્રસંગે ભુવનેશ્વરના એમપી અપરાજિતા સારંગી, જેમના પ્રયત્ન, સામૂહિક પ્રયત્નથી આ પહેલી ફ્લાઇટ જ્યારે અહીંયા એનો લાભ મળી રહ્યો છે ત્યારે લોકો ખૂબ ખુશ છે. ઓડિશાના 7 લાખ જેટલા પરિવારો અને આપણા લોકો, જે ગુજરાતના લોકો ત્યાં ભુવનેશ્વર વસે છે, એને પોતાને આ વાહન વ્યવહાર માટેની ખૂબ સરસ સુવિધા, કારણ કે 30 કલાકની લાંબી જર્ની પછી એ લોકો સફર કરી શકતા હતા. તો આજે આ જે વર્ષો જૂની માંગણીને નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈના નેતૃત્વમાં માની હરદીપસિંહ પુરીએ પૂરી કરી છે, તે બદલ હું એમને અભિનંદન પાઠવું છું.